गुड मॉर्निंग, वेलकम टू शिल्पा स्वल स्टूडियो। हाय सबको, कैसे हैं आप लोग? हम अभी जा रहे हैं हमारे एक बुआ के घर, और आप लोग हमारे साथ साथ ये रोड का जो नेचर्स ब्यूटी है वो एंजॉय कीजिए। देखिए दोनों साइड पे धान लगे हुए हैं। हमारे घर से ऑलमोस्ट एक घंटे का रास्ता है बुआ का घर। तो हम पहुंच गए हैं। हम सबसे पहले जाएंगे कोचबिहार पैलेस पर, जो राजा नृपेंद्र नारायण जी ने इसको बनाए थे। और ये पैलेस बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप देख सकते हो वीडियो पे, तो आप देखिए कितना ब्यूटीफुल है। आसपास में गार्डन भी है। ये बहुत ही खूबसूरत पैलेस है। कोचबिहार के महाराजा जितेंद्र नारायण और महारानी इंदिरा देवी के दो बेटे, तीन बेटियां थी, और इन तीन बेटियों में से एक बेटी का नाम है गायत्री देवी। गायत्री देवी जी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो जयपुर के महारानी थे और बाद में जयपुर के राजमाता भी बने। पैलेस के अंदर वीडियो फोटोग्राफी मना है, इसके लिए हम लोगों ने वीडियो नहीं कर पाए। कोचबिहार पैलेस देखने के बाद हम लोग राजाओं द्वारा स्थापित कोचबिहार मंदिर की तरफ गए और मंदिर परिदर्शन किए। मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत है और काफी बड़ा भी है। ये मंदिर बहुत प्राचीन और खूबसूरत है। सुबह के टाइम पे मंदिर खुला तो रहता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेट पहुंचे थे और इसके लिए हम लोगों ने बाहर से दर्शन किया। और मैं आप लोगों को मंदिर में लगे फूलों के झाड़ दिखा रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत है, काफ़ी सारा प्लांट्स लगे हुए हैं। फिर हम लोगों ने मंदिर के परिक्रमा किए, और फिर आप लोग फिर से एक बार पूरा मंदिर देखिए कितना खूबसूरत है।
मंदिर तो हम लोगों ने देख लिया, तो अभी चलिए हमारी बुआ के घर चलते हैं और उसके बाद जाएंगे हमारी दीदी के घर। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे एक स्वीट शॉप पे। गाइस, ऐसे ही नहीं, लोग कहते हैं कि बंगाल की स्वीट्स फेमस है। आप देखिए कितने सारे वैरायटीज के स्वीट्स है यहाँ पे। हमने मिठाई ले ली है और चलिए अभी चलते हैं यहाँ से। और हम लोग पहुंच गए हैं हमारे बुआ के घर। और हम लोग बैठ गए हैं लंच करने, और लंच के बाद मैं आप लोगों को ये पूरा घर दिखाऊंगी। देखिए ये है किचन और ये ऊपर भी रूम है। चलिए ऊपर चलते हैं। ये है मंदिर, ये एक बेडरूम है, नीचे भी बेडरूम है। और अभी हम चलेंगे टेरेस पर। शाम हो गया था इसके लिए थोड़ा अंधेरा है। शाम को टेरेस पर बहुत अच्छा हवा आता है, इसके लिए हमें इधर बहुत अच्छा लगा। और आप लोग ये लाइटिंग वाला बिल्डिंग देख रहे हो, ये एक मॉल है। अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे। और हम पहुँच गए हैं सिटी मॉल, नीचे है बिग बाजार। एक्चुअली हमें श्रेयान के लिए शूज़ लेना था, लेकिन यहाँ पे शूज़ तो नहीं मिले और इसके लिए श्रेयान और मेरा एक भांजा दोनों मिलकर खेल रहे थे। और फिर हम लोगों ने एक दुकान पे गए और वहाँ से श्रेयान के लिए शूज़ लिया। शूज़ पहनने के बाद देखिए श्रेयान मिरर में देख रहा है और वो चल चल के देख रहा है उसको कैसा अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है।